तो दोस्तों, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया, बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों को मिला। काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया, डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर निकाल के, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी मैसेजेस आए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। लाइक आपने किया वीडियो को, इस वीडियो को भी कर दो, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, जैसे आपने लास्ट वीडियो में नए नए जो इतने मेहमान थे उन लोगों ने किया, आप लोग भी कर लो, बिकॉज यहाँ पर मिलती है लेजिट इन्फॉर्मेशन, राइट। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऑनलाइन से पैसा कमाने आते हैं, उनको एक मैथड के बारे में पता चलता है जिसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। जितने भी बिगिनर्स हैं, जिन लोगों ने भी अभी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुना है, इससे पैसा कमाते हैं, ये ईजी होता है, लाइक दैट थिंग्स, सारी चीजें आज मैं खोल के रख दूंगा और आपको बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो, राइट। बिगिनर टू एडवांस कैसे की जाती है और आप कैसे कर सकते हो, राइट। सो एक लाइक बनता है, सीधा चलेंगे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखेंगे कि ये सारी चीजें कैसे काम करती है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है और आप कैसे इसमें ग्रो कर सकते हो। ओके, सो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं, लेट्स गो। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाता हूं ये चीज कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। What is affiliate marketing? What is affiliate marketing? AFM. What is AFM? Right? क्या है affiliate marketing? बहुत सारे लोगों को पता होगा कि affiliate marketing क्या है, बार बार कई बार मैंने videos में बताए हैं, और आप चाहो तो बहुत सारी और भी videos हैं related to online earning, affiliate marketing, how to earn from YouTube, YouTube shorts, reels, Instagram, बहुत सारी Facebook and all, तो वो वीडियोस आप यहाँ के देख सकते हो। तो यहाँ पर गाइज, एफिलिएट मार्केटिंग, मान लो एक कंपनी है जिसका नाम Amazon है, और आप जो वो चाहते हो ऑनलाइन से अर्निंग करना, आप इस कंपनी के पास जाते हो और कहते हो कि भाई मुझे ना मार्केटिंग करने आता है, अगर आप मुझे अपना प्रोडक्ट दो तो मैं आपके प्रोडक्ट को सेल करा सकता हूँ। ओके, आप प्रोडक्ट को लेते हो, मार्केट करते हो प्रोडक्ट का, ठीक। प्रोडक्ट क्या होता है, सेल हो जाता है, एंड सेल जो प्रोडक्ट होता है उसकी कीमत होती है 100 रुपये, ठीक है। और अमेजोन से आपकी जो डील हुई थी उसमें अमेजोन ने कहा था आपको कि अगर आप मेरा प्रोडक्ट सेल करते हो तो मैं आपको 10% दूंगा, मतलब कि 100 रुपये में आपको मिलते हैं 10 रुपये, ठीक है। आपने इसके प्रोडक्ट को सेल किया, उसका 10% आपको मिला 10 रुपये, ठीक है, 100 रुपये का प्रोडक्ट था। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, आप हो गए इसमें एफिलिएट मार्केटर। क्या हो गए? एफिलिएट मार्केटर। और ये जो अमेजॉन है, ये हो गया एफिलिएट नेटवर्क। क्या हो गया? एफिलिएट नेटवर्क। ओके, गॉट इट। तो अमेजॉन के जैसे और भी तरह तरह के एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, राइट। सबसे पहले मैं अमेजॉन का ही खोल देता हूं, अमेजॉन .in, राइट। तो amazon.in सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। amazon.in में आप यहाँ नीचे आओ, स्क्रॉल करते हुए ये चीज़ आपको दिख रही है, बिकम एन एफिलेट। यहीं से आप amazon में एफिलेट बन सकते हो और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप उनको सेल कर सकते हो। कैसे सेल करोगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी, डोंट वरी, राइट। टेंशन ना लो, पूरी चीज़ें मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, खोल के रख दूंगा आपके सामने कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, ओके। दूसरा नेटवर्क है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको बोलते हैं clickbank.com, ठीक है, clickbank.com। तो clickbank.com भी दिखा देता हूँ आपको, ये है clickbank.com जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, 20 से ज़्यादा साल हो चुके हैं आई थिंक, राइट, 20 ईयर्स लिखा हुआ है, $4 बिलियन से भी ज़्यादा ये लोग पे कर चुके हैं, 20 कंट्रीज़ में ये चल रहा है। इसके बाद अगर कोई नेटवर्क फेमस है तो वो है JVZoo, राइट, JVZoo। एंड इसके बाद और भी बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, लाइक मैक्स बॉन्टी हो गया, और आपका CJ हो गया, और आपका वॉरियर प्लस हो गया, एंड ऐसे करके बहुत सारे और भी डिफरेंट एफिलिएट नेटवर्क्स हैं जो अपने प्रोडक्ट को आपको देते हैं मार्केट करने के लिए और आप मार्केट करते हो। एंड ये जो वेबसाइट्स हैं लाइक क्लिकबैंक, JVZoo, वॉरियर प्लस, मैक्स बॉन्टी, ये आपको मोटा पैसा देते हैं, राइट, मतलब कि ज़्यादा पैसा देते हैं, ओके। तो ये एफिलिएट नेटवर्क कहलाते हैं जो यहां पर मैंने आपको बताया, ओके। एंड एज एन एफिलिएट मार्केटर, मतलब अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर की नजरों से देखो, ठीक है, तो आपको किसी भी नेटवर्क से प्यार नहीं होना चाहिए,
राइट मतलब कि आपको सिर्फ अमेजोन पे ही काम नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लिक बैंक पे काम नहीं करना, आपको सिर्फ जेवीजू पे काम नहीं करना है, आपको हर नेटवर्क पे काम करना है, हर प्रोडक्ट का एफिलिएट करना है, मतलब कि हर प्रोडक्ट आप एफिलिएट कर सको, ये चीज मैं बोल रहा हूँ, किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करना है, किसी एक नेटवर्क पे डिपेंड नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने जॉब से प्यार करना है, जिसका नाम एफिलिएट मार्केटिंग है। उसके बाद दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटर कौन होता है और एफिलिएट नेटवर्क कौन होता है। अब देखो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो उसको बोलते हैं ऑडियंस, चाहे वो ऑफलाइन का बिजनेस हो चाहे वो ऑनलाइन का बिजनेस हो, ऑफलाइन बिजनेस हो चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस ओ भी लिख देते हैं इसको और इसको ओ एफ लिख देते हैं, ऑनलाइन बिजनेस ऑफलाइन बिजनेस ओ एफ बी लिख देते हैं इसको ऑफलाइन बिजनेस, ठीक है। दोनों के लिए क्या चाहिए होता है, कस्टमर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन में ट्रैफिक, ओके। तो देखो ऑनलाइन की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग इसकी बात करेंगे, तो ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में जब आपको ट्रैफिक चाहिए रहता है तो आप कुछ प्लेटफॉर्म्स की तरफ देखते हो नजरें उठा के, ठीक है। सबसे पहला प्लेटफॉर्म आप देखते हो फेसबुक एड्स, अभी पेड और ऑर्गेनिक दोनों की बात करूंगा मैं, ओके। तो फेसबुक एड्स की तरफ देखते हो जहां पर आपको पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं, ठीक है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं ऑन एड्स, इन्वेस्ट करने पड़ते हैं एक्चुअली, ठीक है, ऑन एड्स, ओके। तो ये पेड है, पी लिख देते हैं, पी फॉर पेड। इसके बाद आप दूसरी तरफ देखते हो तो आता है गूगल एड्स, राइट, गूगल एड्स ये भी पेड है। और इसके बाद अगर आप तीसरा देखते हो तो इसमें आता है आपका बींग एड्स, ये भी काफी पॉपुलर है, पेड है, ओके। इसके बाद आता है पिंटरेस्ट एड, ठीक है, पिंटरेस्ट एड के बारे में भी आपने सुना होगा, काफी अच्छा चलता है ये भी, बट बहुत ज्यादा वायरल नहीं है, तो पिंटरेस्ट एड होता है, ठीक है, ये भी पेड है। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है नेटिव एड्स, ठीक है, ये भी एक एड्स का फॉर्म है, ये भी पेड होता है। तो ये कुछ एड है जो काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, एफिलिएट वर्ल्ड में, और लोग इनका यूज करते हैं टू गेन ट्रैफिक, और ये पूरे जो है वो पेड है, क्या है, पेड, पी फॉर पेड, और इनका यूज किया जाता है ट्रैफिक ड्राइव करने में ऑन योर ऑफर, ऑन योर प्रोडक्ट, ऑन योर एफिलिएट प्रोडक्ट, ओके। तो वहां पर आप ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक जब यूज करते हो तो इन्हीं चैनल्स की तरफ देखते हो जो आपको प्रोवाइड करते हैं कि भाई हमारे चैनल्स के थ्रू आप पेड एडवर्टाइजमेंट करके अपने बिजनेस पर ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि इनके पास लाखों करोड़ों की ट्रैफिक है, एज यू नो कि फेसबुक के पास कितना ट्रैफिक है, गूगल के पास कितना ट्रैफिक है, ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो ये भी गूगल का पार्ट है, मतलब कि आप भी गूगल के ट्रैफिक का हिस्सा हो। बींग एड्स मतलब माइक्रोसॉफ्ट, राइट, माइक्रोसॉफ्ट ही के वजह से ही ये लैपटॉप चल रहा है, क्योंकि ये भी पावर्ड बाय विंडोज है, ठीक है। इसके बाद पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट एक इमेज साइट है, आपने सुना होगा इसके बारे में, ये भी काफी ज्यादा फेमस है। और नेटिव एड्स, नेटिव एड्स क्या होता है कि ये जो अलग अलग एड्स की कंपनीज रहती हैं, ये बहुत सारे वेबसाइट के साथ क्या करती हैं, कोलैब करके रखे रहती हैं, ठीक है, टाई अप करके रखे रहती हैं, लाइक बड़े बड़े न्यूज वेबसाइट्स के साथ, और ये जो एड्स होते हैं इनके एड्स वो उनके वेबसाइट पे दिखाती हैं और वहां से लोग खरीदते हैं, ठीक है। तो ये होता है ट्रैफिक का गेम। उसके बाद गाइज एक चीज देखो, इसमें एक और रोल आता है जिसको बोलते हैं वो भी ऑर्गेनिक, मतलब कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए जो ट्रैफिक है ऑर्गेनिक भी आपको मिलता है, मतलब फ्री, ठीक है। अब उसके कौन कौन से वेज हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला वेज है फेसबुक, ठीक है, फेसबुक में आपको फेसबुक ग्रुप्स सबसे बेस्ट और फेसबुक पेजेस, ठीक है, सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है, फेसबुक ग्रुप सबसे बेस्ट, ओके। अब फेसबुक ग्रुप के अंदर भी आपको लाइव स्टोरी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, अगर हम इसके डेप्थ में जाएंगे तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको मिल जाते हैं, ओके। तो फेसबुक ग्रुप्स और फेसबुक पेज में आप फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, बिल्कुल फ्री आप अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट जो है आजकल काफी ज्यादा अच्छा है और फेसबुक से भी ज्यादा अच्छा है इंस्टाग्राम, ठीक है,
ठीक है, इंस्टाग्राम के पेजेस आप बना सकते हो एंड अपने खुद के पेज पे भी आप एफिलिएट कर सकते हो, पर्सनल और बिजनेस दोनों ही पेजेस में, राइट। पर्सनल पेजेस होते हैं एंड बिजनेस पेजेस होते हैं, राइट, आपको आई थिंक ऑलरेडी पता होगा। तो दोनों ही पेजेस में आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो विथ योर ऑडियंस, और यहाँ पर भी आप ऑर्गेनिक कर सकते हो। सेम लाइक पिंटरेस्ट में भी ऐसे ही होता है, इमेज डाल के आप ऑर्गेनिक कर सकते हो। इसके बाद ट्विटर में भी होता है, यस, ट्विटर में भी आप एफिलिएट मार्केटिंग ऑर्गेनिक कर सकते हो। इसके बाद यूट्यूब से भी आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हो, यूट्यूब से, राइट, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो। इसके बाद गाइज आप कर सकते हो लाइक टेलीग्राम से कर सकते हो, राइट, आप टेलीग्राम से भी ये चीज़ कर सकते हो। उसके बाद आप कर सकते हो व्हाट्सअप से, व्हाट्सअप से भी आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ वेज हैं जहां से आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हो, मतलब कि फ्री में ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो ऑन योर प्रोडक्ट। ओके, तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एफिलिएट का, जिसको कहते हैं ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एफिलिएट। अगर ट्रैफिक नहीं रहेगा तो कुछ भी आप सेल नहीं कर पाओगे और कुछ भी पैसे नहीं कमा पाओगे। ओके, और सेल इट मींस रेफर करना। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग इट्स नॉट अबाउट सेलिंग, इट्स ऑल अबाउट रेफरिंग। लाइक मान लो मुझे मुझे मान लो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे फीवर हो जाता है, और मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ और वो डॉक्टर मुझे सही कर देता है, ठीक है, फीवर मेरी सही कर देता है। एंड देन मेरा एक दोस्त भी है, वो भी बीमार हो जाता है एंड वो बहुत दिन से बीमार पड़े रहता है। मैं उसके घर जाता हूँ सडनली और मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तू बीमार है, मेरे को भी ये चीज़ हुई थी, तो मैंने क्या किया, मैंने राहुल नाम के एक डॉक्टर को दिखाया और मेरी बीमारी सही हो गई। तो बोलेगा सच में, यस सच में, जाओ तुम भी दिखा के आओ। तो वो जाकर दिखा के आएगा एंड उसकी बीमारी सही हो जाएगी, राइट। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने उसको रेफर कर दिया उस डॉक्टर को, तो यही एफिलिएट हो गया। अगर मेरा उस डॉक्टर के साथ टाई अप है तो मुझे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो यही क्या होगा, ये एफिलिएट होगा, राइट। तो ऐसे करके एफिलिएट काम करती है। एफिलिएट इज नॉट अबाउट सेलिंग, इट अबाउट रेफरिंग, राइट, क्या, रेफरिंग, नॉट सेलिंग। ओके, इट्स ऑल अबाउट रेफरिंग, आपको रेफर करने आना चाहिए, तभी आप ब्लॉग पर एक रिव्यू लिखते हो, कोई कस्टमर आके उस चीज को पढ़ता है और आपके प्रोडक्ट को बाय करता है, राइट, तो वो रेफर हुआ। बट अगर आप ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो कर रहे हो तो वो सेलिंग हुई, ठीक है। एफिलिएट और सेलिंग में अंतर है। ओके, तो ये हो गया भाई फ्री और ये हो गया पेड। इसके बाद अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है एफिलिएट मार्केटिंग करने में, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। आपको मैंने एफिलिएट नेटवर्क्स के बारे में बताया, एफिलिएट नेटवर्क्स के बारे में, AFM नेटवर्क्स, ठीक है। एफिलिएट नेटवर्क्स में मैंने बताया कि प्रोडक्ट्स मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, लाइक Amazon में आपको पता ही है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। अब Amazon के प्रोडक्ट को आप उठाओगे मतलब रेफर करने के लिए, मतलब कि एफिलिएट करने के लिए, तो आप उसको एफिलिएट कहाँ करोगे, कैसे करोगे? आपको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत है, तो जिस प्लेटफॉर्म की आपको जरूरत है उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। तो यहां पर आप उस चीज का, उस प्रोडक्ट का एक पूरा रिव्यू लिखोगे या उसका एड बनाओगे, वट एवर, तो इस पेज को क्या कहेंगे, लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, पेड और फ्री दोनों, राइट। पेड के लिए मैं आपको बोलूंगा बिल्डर इज द बेस्ट टूल, जो मैं खुद ही यूज करता हूँ, राइट। मेरे जितने भी पेजेस हैं वो बिल्डर से ही बनाए जाते हैं, इवन कोर्सेज के भी। अगर आपको पता होगा मेरा एफिलिएट मार्केटिंग हैक्स का कोर्स है, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग हैक्स में मैंने बताया कि आप कैसे अपने सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे एक फास्ट सेल लेके आ सकते हैं और कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं, वो भी फास्ट, राइट। अगर आपकी फर्स्ट सेल नहीं आ रही है, हैक्स पूरे मैंने बताया कि कैसे आप अपने एफिलिएट करियर को बूस्ट कर सकते हैं, वो भी आई थिंक ऑलमोस्ट फ्री है, राइट। तो उसकी वीडियो मैं नीचे डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना, कमेंट में भी लगा दूंगा, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए, राइट। तो एफिलिएट हैक्स का चेक कर लेना। तो एफिलिएट हैक्स का भी जो लैंडिंग पेज है वो भी मैंने बिल्डर से ही क्रिएट किया हुआ है। अगर फ्री में आप जाते हो तो मैं आपको सबसे अच्छा सजेस्ट करूंगा ग्रो फनल्स, राइट। ग्रो फनल्स की वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले बनाई थी, चैनल पे है, वीडियो सेक्शन में जाके आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा और पावरफुल चीज़ है ग्रो फनल्स। तो ग्रो फनल्स अगर आप यूज़ करोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, ट्रस्ट मी। ग्रो फनल्स काफ़ी अच्छा है अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो। चैनल पे मिल जाएगी वीडियो, डोंट वरी, जस्ट जाके चेक कर लेना ग्रो फनल्स, व्हाट इज़ फनल करके उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चले जाना, थोड़ी सी मेहनत करना, तो वीडियो आपको मिल जाएगी, राइट, वीडियो सेक्शन में। उसके बाद
ये जो दो चीज़ें मैंने बता दी आपको, पेड एंड फ्री। तो गाइज यहाँ पर मैं सिर्फ ये दो ही चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा और अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि और भी बहुत सारे टूल्स हैं, मैं जानता हूँ फ्री और पेड दोनों, राइट। बट अगर मैं और डीप जाऊंगा तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो मैंने खुद ही यूज़ नहीं किए और मैं आपको अगर बता दूंगा तो फिर वो बेस्ट नहीं है। मैं क्योंकि मेरा जो सिद्धांत है, रूल है, वो ये है, मेरा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि मैं वही चीज़ आपको बताऊँ जो मैंने किया है या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या मुझे जिसके बारे में नॉलेज है, नहीं है तो मैं नहीं बताता, ओके राइट। तो ये हो गया आपका तीसरा स्टेप, ओके। आपने ट्रैफिक के बारे में सोच लिया कि आप ट्रैफिक कहाँ से लाओगे, फिर आपने लैंडिंग पेज के बारे में सोच लिया भैया कि लैंडिंग पेज मैं कहाँ बनाऊंगा, ठीक है, अपने प्रोडक्ट का। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि लैंडिंग पेज कैसे बनता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि पूरा एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है। अब इसके बाद जब आप लैंडिंग पेज का कर लिए तो आप देखो थोड़ा सा गेम आपका बढ़ा। आपको पता है लैंडिंग पेज में एक आस्क पेज होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओपीटी फॉर्म, राइट। ओपीटी फॉर्म क्या होता है, ओपीटी फॉर्म में आपको अपना मेल और नाम डालना होता है। आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते होगे देखना, या तो आपने मेरे triplesavanampar.in के पेज में विजिट किया होगा, या आपने कभी किसी का कोर्स लिया होगा, या आपने कहीं पर लाइक जोमेटो से ऑर्डर किया होगा, तो वहाँ पर भी आपने क्या किया होगा, आपने एक फॉर्म भरा होगा जिसमें आपने अपना मेलिंग एड्रेस डाला होगा और आपने अपना नेम डाला होगा, राइट। तो उस पेज को ही बोलते हैं OPT-IN, राइट, OPT-IN। तो ओपीटी इनको आस्क पेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और सिंपल करने के लिए मैं आस्क पेज बोलता हूँ। आस्क पेज जो होता है, यहाँ पर आप लोगों से उनका डाटा मांगते हो ताकि आप उनको रीटारगेट कर सको। रीटारगेट का मतलब क्या, कि अपने प्रोडक्ट के बारे में बार बार लोगों को बता सको, राइट, बार बार लोगों को बता सको। ये मान लो लोग हैं, अब आप इनको बार बार बता सको, इसीलिए आपने इनका ईमेल ले लिया, राइट। तो अब इस ईमेल को ऑटोमेशन पे काम में लाने के लिए, मतलब कि ऑटोमेशन पे लोगों को बार बार भेजने के लिए अपने प्रोडक्ट के डिटेल्स, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट, कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, ये सब करने के लिए ईमेल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, ईमेल सॉफ्टवेयर। अब इसमें भी दो ही तरह होते हैं, लाइक पेड और ऑर्गेनिक, राइट। तो पेड के लिए भाई सबसे अच्छा आपको पता ही है मैं कौन सा यूज़ करता हूँ और अभी यूज़ कर रहा हूँ, वो है बिल्डरल, राइट। बिल्डरल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन डिजिटल मार्केटिंग, इन आई थिंक इन अ फ्यू प्राइस, क्या बोलेंगे, फ्यू प्राइस नहीं बोलना चाहिए, मतलब कि एक अफोर्डेबल प्राइस में, एक अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छा टूल है जो 28+ से भी ज़्यादा टूल देता है, राइट। अगर आप इस मार्केट में और आगे जाना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्डरल चेक कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। तो एक पेड टूल है ये, बट एक फ्री टूल भी है जो काफ़ी ज़्यादा चलता है और उसको बोलते हैं मेल चैम्प, राइट। और सीरियसली मैं बताऊँ तो मैंने कभी मेल चैम्प यूज़ नहीं किया है, राइट। खोला है, देखा है, लेकिन कभी यूज़ नहीं किया है। तो मेल चैम्प आप चेक कर सकते हो, लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे कई मैसेजेस आते हैं, सर मैं मेल चैम्प यूज़ कर रहा हूँ, बट उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। तो अगर सस्ते में अगर अच्छा आपको कुछ मिल जाए लाइक पेड ईमेल मार्केटिंग टूल, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा अच्छे से अच्छा करो अगर आपको आगे से में जाना है तो, राइट। तो चौथा काम भी हो गया आपका। अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है भाई, अब आपको ज़रूरत पड़ती है एड सेट्स की, राइट। ये मैं सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ, इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, लाइक जो आपका लैंडिंग पेज होता है इसमें प्रूफ टूल का यूज़ किया जाता है, इसमें वीडियो होस्टिंग्स का यूज़ किया जाता है, और इसमें डोमेन्स का यूज़ किया जाता है, और किस प्लेटफॉर्म पे आपको क्रिएट करना है, ये तो मैंने बताया ना आपको, ओके। तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, कॉपी राइटिंग एंड ऑल, तो उसमें मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे पूरा प्रोसेस काम करता है एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। अब एड सेट में चलते हैं। एड सेट में जब आते हो आप, तो अब आपको एड्स बनाने आने चाहिए, राइट, कि कैसे एड आप बनाओ, चाहे वो पेड के लिए बनाओ चाहे वो फ्री के लिए बनाओ, लेकिन आपको एड बनाना सीखना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले आप एड सेट बनाना सीखो, कैसे एड कॉपीज बनाई जाती है, ऑल द थिंग्स। उसके बाद आपको एक चीज़ आनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड स्टोरी टेलिंग और कॉपी राइटिंग, ठीक है। ये मैं एड सेट वाले ही सेगमेंट में लिया हूँ, मैं यहाँ पर भी ले सकता था लैंडिंग पेज वाले में, बट मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। अब कॉपी राइटिंग क्या होती है, कॉपी राइटिंग मतलब कि सेल राइटिंग, सेल्स राइटिंग। कॉपी राइटिंग का यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, सेलिंग के लिए, राइट। जब प्रोडक्ट्स को सेल करना रहता है तो वहाँ एक कॉपी राइटर का गेम होता है। अब मैं इसमें भी डेप्थ में नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है, अभी मैंने आपको जस्ट बता दिया है कॉपी राइटिंग होता है भैया।
अब आप थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करो, या तो नीचे कमेंट करो कि सर कॉपी राइटिंग के बारे में बताइए, या स्टोरी टेलिंग के बारे में बताइए, या लैंडिंग पेज के बारे में बताइए, या पेड ट्रैफिक के बारे में बताइए, या फ्री ट्रैफिक के बारे में बताइए, या नीचे कमेंट करो, ठीक है। अब जितने ज़्यादा जिस चीज़ के लिए कमेंट होंगे, अगर 100 कमेंट्स आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो ये होता है एड सेट का गेम। अब जहां आपने ये चीज क्रॉस कर ली, आपका एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, AFM कंप्लीट, ठीक है। तो ये बस 5 स्टेजेस हैं एफिलिएट मार्केटिंग के। कितने? ये सिर्फ 5 स्टेजेस। तो यही होती है गाइज एफिलिएट मार्केटिंग, यही होती है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, राइट। हाँ, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, लाइक एड सेट कैसे क्रिएट किया जाता है, लाइक कॉपी राइटिंग कैसे की जाती है, स्टोरी टेलिंग कैसे की जाती है, लैंडिंग पेज को कितना अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, हाई कन्वर्टिंग कैसे बनाया जा सकता है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप इजी सेल कर सकते हो या वो इजी सेल हो जाते हैं या आपके लिए बेस्ट हैं, कैसे प्रोडक्ट्स को चुनते हैं, एंड उसके बाद कौन से एफिलिएट नेटवर्क्स बेस्ट हैं, पेड ट्रैफिक करें तो कौन से ट्रैफिक के साथ काम करें, और अगर फ्री ट्रैफिक के साथ जाएं तो कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, कैसे फ्री ट्रैफिक के साथ ग्रो करें, क्या टैक्टिक्स होती हैं, मार्केटिंग क्या होती है, स्ट्रेटजी क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं भैया? एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ही आती है, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर की चीजें हैं जो मैंने आपको बताया कि पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। रिगार्डिंग माय पॉइंट, तो गाइस जितने भी नए लोग हैं ना, सब समझ जाओ कि ऐसे होती है एफिलिएट मार्केटिंग। ये है असल एफिलिएट मार्केटिंग। किसी कंपनी में एनरोल कर लेना और उस कंपनी के ही प्रोडक्ट को सेल करके अपने आप को एफिलिएट मार्केटर कहना, इट इज नॉट करेक्ट। You need to learn how can you be a good affiliate and real affiliate marketer. You need to learn. तो ऐसे होता है। अब बताओ मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं इसमें। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लो, मेरे टच में रहोगे। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और बताओ मुझे कमेंट करके कि मैं किस चीज के ऊपर, मतलब कि एफिलिएट मार्केटिंग में किस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक देख रहे हैं, वो शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो। लाइक कर दो इस वीडियो को, और चाहते हो कि मैं और डिटेल जाऊँ, लाइक फेसबुक पे कैसे करें, इंस्टाग्राम पे कैसे करें, पिंटरेस्ट पे कैसे करें, एंड पेड एड्स का यूज़ कैसे करें, जो भी आपके मन में आ रहा है वो नीचे कमेंट करो, या लैंडिंग पेज कैसे बनाए, कॉपी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, वट एवर आप नीचे कमेंट करो। मैं देखूंगा सबसे ज्यादा कमेंट किसके हैं एंड वीडियो आएगी आपके लिए, राइट। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफी मेहनत लगी है, लाइक कर दो, नए मेहमान चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन प्रेस कर दो, और प्लीज बी इन गुड इन एफिलिएट मार्केटिंग, नॉट इन अ पर्टिकुलर कंपनी। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।